हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अगर आप टिकटॉक का यूज करते हैं तो आपने इन वीडियोस को तो देखा ही होगा। सो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने डीएसएलआर का यूज करके वीडियोस को काफी अच्छा बना रखा है और इनकी वीडियोस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और आप इनका पीछे बैकग्राउंड देख सकते हो, पीछे इनका बैकग्राउंड ब्लर है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी डीएसएलआर कैमरे के अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हो। अगर आप टिकटॉक के ऊपर ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो जिनका बैकग्राउंड पीछे आप इस टाइप से ब्लर कर पाओ, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन से बिना किसी महंगे डीएसएलआर कैमरे का यूज के। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे दो वे बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो और ऐसी वीडियोस को टिकटॉक के ऊपर डाल सकते हो। सो गाइस, ये जो दोनों वे हैं ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखते हैं सो आप टिकटॉक के ऊपर अच्छी वीडियो बना पाओगे और आपकी वीडियोज के ऊपर भी लाइक्स और व्यूज आ पाएंगे और आप अपनी वीडियोज को पीछे बैकग्राउंड को ब्लर कर पाओगे, ब्लर इफेक्ट अपनी वीडियोज के अंदर डाल पाओगे। ये बिल्कुल रियल वे है और ये 100% काम करने वाला है। वही सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहला वे। सो गाइस, जो सबसे पहला वे है यहाँ पर अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर करने का, सो आप मेरे पीछे देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम यहाँ पर ग्रीन रंग का क्लॉथ लगा रखा है। सो गाइस, आपने करना यह है कि आपको एक क्लॉथ खरीद लेना है जिसका कलर बिल्कुल ग्रीन हो। सो आप जब भी अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करें, जहाँ पर भी अगर आप अपने घर के अंदर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो उस टिकटॉक रिकॉर्डर के अंदर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले अपने पीछे इस टाइप का यहाँ पर ग्रीन क्लॉथ लगा सकते हैं। सो गाइस, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो मैंने इसको रिकॉर्ड करते टाइम यहाँ पर पीछे ग्रीन रंग का क्लॉथ लगा रखा है। ये आपको लगभग 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में मिल जाएगा। सो गाइस, आप इसका करके बिना ज़्यादा खर्चा किए ही अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से ही अपने फ़ोन के अंदर ही अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो या फिर उसके पीछे ब्लर बैकग्राउंड लगा सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी ऐसी लोकेशन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है कि आप वहाँ पर वीडियो ना बना पाओ। इसका यूज करके आप अपने घर के अंदर ही किसी भी लोकेशन का यूज कर सकते हो और उस लोकेशन को ब्लर कर सकते हो। आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम पीछे इस ग्रीन कपड़े को लगा ले, आप अपनी दीवार पर लगा सकते हैं या फिर किसी भी जगह पर इस ग्रीन कपड़े को अपने पीछे लगा ले। आप जब अपने टिकटॉक के रिकॉर्डर को ओपन करें सो आपने अपनी वीडियो को उस टाइप से रिकॉर्ड करना है कि आपके पीछे ये ग्रीन कपड़ा आ जाए और उसके ऊपर जो लाइटिंग आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि बिल्कुल सिंपल और क्लासिक लाइट यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, पीछे बैकग्राउंड भी यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे ग्रीन रंग का बैकग्राउंड आप यूज कर रहे हैं। सो आपने अपने टिकटॉक के रिकॉर्डर से कुछ इस टाइप की वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। सो गाइस, आपने अपनी एक्टिंग करनी होगी, बस आपने करना यह कि आप जो भी एक्टिंग कर रहे हो उसके पीछे आपने अपने पीछे यहाँ पर ग्रीन रंग का यहाँ पर बैकग्राउंड लगा देना है। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पर हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, आप यहाँ पर अपने इस नेक्स्ट के ऊपर एक बार टैप कर देना है। सो गाइस, अब आपने इस वीडियो को यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करना होगा हु कैन सी माई वीडियो और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको ओनली मी के ऊपर सेट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली शेयर टू और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन ये डाउनलोड वाला है, इसके ऊपर आपने टैप कर देना है और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट कर देना है। अब आपकी इस वीडियो को सिर्फ आप ही देख पाओगे और ये वीडियो आपकी गैलरी के अंदर भी सेव हो जाएगी। तो हमारी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और ये प्राइवेट में हुई है और साथ में गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी यहाँ पर गैलरी के अंदर भी आकर यहाँ पर सेव हो चुकी है। सो गाइस, अब आपने करना यह है कि आपको किसी वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ने वाली है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपके सामने पावर डायरेक्टर और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इस न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर एक बार टैप कर देना है। सो गाइस, अब आपने गूगल के ऊपर से कोई ब्लर बैकग्राउंड वाली इमेज को यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। सो यहाँ पर कोई भी ब्लर बैकग्राउंड या फिर आपको जो भी पसंद आए आप उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जो भी मर्जी आप किसी भी टाइप की यहाँ पर इमेज को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, उसके बाद आपने यहाँ पर पावर डायरेक्टर ओपन करना है और यहाँ पर आपने इस ऑप्शन के ऊपर एक बार टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपने इस इमेज सेक्शन के ऊपर टैप करना है। अब आपको उस फोल्डर के ऊपर जाना होगा जो अभी आपने इमेज को यहाँ पर डाउनलोड किया था। सो गाइस, मैंने इस इमेज को यहाँ पर डाउनलोड किया था, सो अभी ये आपके सामने आ जाती है। तो आपकी वीडियो जिस भी हिसाब से है आप यहाँ पर उसको उस हिसाब से यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। सो गाइस, अब आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद ये वाला सेकंड ऑप्शन इसके ऊपर टैप कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपने वीडियो के ऊपर टैप करना है। अभी आपने जो वीडियो सेव की थी उसके ऊपर आपने जाना होगा। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इस फोल्डर के अंदर अभी टिकटॉक की वीडियो को सेव किया था तो ये यहाँ पर आ जाती है। सो अभी आपने इसको इस टाइप से यहाँ पर खींचना होगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपने इसको इस टाइप से यहाँ पर खींचना है। सो गाइस, ये आपके सामने आपकी वीडियो आ जाती है। सो गाइस, आप जिस भी टाइप से करना चाहिए उस टाइप से कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इस पेंसिल के ऊपर टैप कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमा की, सो इस क्रोमा की के ऊपर टैप करना है। अब आपने इस पेंसिल के ऊपर एक बार टैप करना है और इस पेंसिल को यहाँ पर इस ग्रीन क्लॉथ के ऊपर लेकर जाना है और आपने इस पेंसिल के ऊपर यहाँ पर
यहाँ पर लिखा हुआ टैप टू रिमूव द कलर, और यहाँ पर फिर पेंसिल है, इस पेंसिल के ऊपर एक बार टैप कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारा बैकग्राउंड यहाँ पर गायब सा हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कलर रेंज, सो आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देना है जब तक कि ये पीछे का ये ग्रीन कलर है ये गायब ना हो जाए, और साथ ही में आप यहाँ पर इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो गाइस आप पीछे देख सकते हो पीछे का जो ग्रीन कलर था वो यहाँ पर गायब हो चुका है। सो गाइस ये जो भी आपने बैकग्राउंड लगाया था वो पीछे आ चुका है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आप इसको और अच्छी से कर सकते हैं, बट ये अभी ठीक नहीं हुआ है क्योंकि आपने इसको इस क्रोमा की के अंदर जाकर इसको थोड़ा और ज़्यादा और यहाँ पर कम करना होगा। सो इस टाइप से यहाँ पर आप पहला वे यहाँ पर कर सकते हैं, और साथ ही में गाइस अब आपने इस वीडियो को यहाँ पर सेव कर देना है, उसके बाद आपने इसको अपनी फ़ोन के अंदर यहाँ पर सेव कर लेना है। उसके बाद जब ये सेव हो जाए सो आप इसको टिकटॉक के ऊपर जाकर अपलोड कर सकते हैं। गाइस जब आपकी ये वीडियो यहाँ पर सेव हो जाए तो आप इसे यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर जाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस आप इस टाइप से पहले वे से यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, और जो अभी मैं आपको दूसरा वे बताऊंगा वो सबसे बढ़िया है और काफ़ी आसान भी है, सो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सो देखते रहिए इस वीडियो को। सो गाइस जो सेकंड वे है इसके लिए आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ख़रीदना होगा मोबाइल टेलीस्कोप लेंस। सो गाइस आप इस लेंस को अपने मोबाइल के ऊपर लगा सकते हैं और इसका प्राइस लगभग 700 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में ये आपको मिल जाएगा। सो गाइस मैं इस वीडियो से पहले इस लेंस की सारी वीडियो बना चुका हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, इसके साथ आप बैकग्राउंड को कैसे ब्लर कर सकते हो। सो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा कि हाउ टू मेक योर वीडियो बैकग्राउंड ब्लर, या फिर अपने फ़ोन को आप DSLR कैसे बना सकते हैं। सो उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, साथ ही में इसको खरीदने का भी लिंक मिल जाएगा, सो ज़रूर चेक कीजिएगा। भाई सबसे पहले तो आप इसका एक छोटा सा यहाँ पर सैंपल दे सकते हैं, यहाँ पर इसने बैकग्राउंड को काफ़ी ज़्यादा ब्लर कर दिया है और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा जूम भी कर रहा है। चाहे आप टिकटॉक की वीडियो बना रहे हो या फिर आप किसी भी टाइप की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, चाहे आप फोटो खींच रहे हो, सो ये लेंस आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। सो गाइस इस लेंस की कंप्लीट अनबॉक्सिंग रिव्यू और बाकी सभी आप जानना चाहते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसके साथ आपको इसको खरीदने का लिंक मिल जाएगा। सो गाइस आप इन दोनों वे से अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो और अपनी वीडियोस को टिकटॉक के ऊपर अपलोड कर सकते हो। सो गाइस आप मुझे टिकटॉक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, द रोबिन चावला यूजर नेम है, रोबिन चावला नेम है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये गाइस ये थे दो वे बैकग्राउंड को ब्लर करने के। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।